मैं कर्मचारी से इतना ही निवेदन करना चाहूँ कि आगे की आगे देखें कि बात वो कह रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आज ही देख लें। ये ओपीएस का कोई समाधान निकलेगा या ओपीएस लागू करने की बात होगी या ओपीएस का कोई और कोई रास्ता निकल आएगा, ये तभी संभव है जब डबल इंजन की सरकार होगी, दिल्ली में नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार यानी कि भाजपा की सरकार और हिमाचल में भी भाजपा की सरकार होगी, तभी जाकर के संभव है। इसलिए कतई भी मेरा निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि इनके राजनीतिक लाभ लेने के उस मकसद को पूरा मत होने। उनको परेशानी यह है कि मोदी जी आएंगे तो हम बचेंगे कुछ नहीं, हमारा बचेगा कुछ नहीं, उनको ऐसा लग रहा है, तो ये सच्चाई है, उनका बचेगा भी कुछ नहीं, पूरे देश में नहीं बचा तो हिमाचल में कहां बचने की संभावना छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री जी भी आएंगे, गृहमंत्री जी भी आएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो आएंगे ही, स्मृति ईरानी जी आएंगे, राजनाथ सिंह जी आएंगे, योगी जी आएंगे। कांग्रेस के मित्र थोड़ा सा इस बात को लेकर चिंतित हैं वो कि एक के बाद एक इस तरह के नेताओं के नाम हमारे पास हैं जहां हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में चुनाव के दिनों में कार्यक्रम होंगे, उनकी चिंता वाजिब है, जाहिर है, और हम उनको कह रहे हैं तुम भी अपने नेता को लाओ, राहुल जी को ले आओ, खड़गे जी को लाओ, अब नए अध्यक्ष बने हैं, ताजा तरीन अध्यक्ष बने हैं, उनको भी लाओ तो मजा आएगा ना। स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि ये पक्ष पूरे प्रदेश भर में लोगों के सामने जाना ही चाहिए कि ओपीएस को खत्म करने वाले लोग कौन थे। 2003 में सरकार कांग्रेस पार्टी की थी, वीरभद्र सिंह जी कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री थे, निर्णय तो उनके समय हुआ और उनके द्वारा लिया गया निर्णय। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि क्या पूरे देश भर में जिन राज्यों में दो ही राज्य हैं, दो से ज्यादा राज्य तो है नहीं, उन राज्यों में अगर देखें हम, मैंने सारा वहां का स्टडी भी किया, जानकारी भी ली, उन्होंने सिर्फ कागजी कार्यवाही करने की दिशा में कुछ चीजें की हैं, लेकिन उसके बावजूद दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी हमारी बात बीच में होती रहती, मुलाकात होती रहती है, दोनों का कहना कि कठिन काम है, हमने कह तो दिया है लेकिन मुश्किल है। हमने ये भी देखा कि प्रधानमंत्री जी के साथ बात करते हुए उन लोगों को कि मदद करिए, ये हमारे बस की बात नहीं है, हमने कह दिया है, लेकिन उसके बावजूद इस सारे मामले में आप हमारे लिए केंद्र से मदद करें। जब उनको अच्छी तरह से मालूम था कि उनके बस का नहीं है, ये हो नहीं सकता है, तो उनको ये राजनीतिक मकसद लेने मकसद से फायदा लेने के लिए कर्मचारियों के साथ राजनीति नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन की है उन्होंने। और हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन कमीशन भी सारी चीज को वैल्यूएट कर रहा है कि कितना उस पर इम्पैक्ट आएगा, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन क्या आएगा, और कांग्रेस कहां से रिसोर्सेज जनरेट करेगी, कहां से उनको पैसा देगी, स्पष्ट नहीं है। और ये संभावना कांग्रेस पार्टी की सिर्फ एक ही चीज की, राजनीतिक मकसद ले लें, हम अपना हासिल कर लें, और उसके बाद ओपीएस होना तो है नहीं, हमारे बस का है नहीं, और ऐसे में फिर आगे की आगे देखेंगे। तो मैं कर्मचारी से इतना ही निवेदन करना चाहूँ कि आगे की आगे देखें कि बात वो कह रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आज ही देख लें। ये ओपीएस का कोई समाधान निकलेगा या ओपीएस लागू करने की बात होगी या ओपीएस का कोई और कोई रास्ता निकल आएगा, ये तभी संभव है जब डबल इंजन की सरकार होगी, दिल्ली में नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार यानी कि भाजपा की सरकार और हिमाचल में भी भाजपा की सरकार होगी, तभी जाकर के संभव है। इसलिए कतई भी मेरा निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि इनके राजनीतिक लाभ लेने के उस मकसद को पूरा मत होने दीजिए। पूरा देश नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ जिस तरह से मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, और उसमें कर्मचारियों का भी मैं अपील करता हूं उनसे कि वो इसमें आगे बढ़ करके हमको सहयोग दें। प्रधानमंत्री जी का हिमाचल प्रदेश में इन 5 साल के कार्यकाल में 9 बार आना हुआ है, अटल टनल रोहतांग का उद्घाटन करने के लिए आए, ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के लिए धर्मशाला में आए, 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर धर्मशाला आए, उसके पश्चात और बहुत सारे 4 साल का कार्यकाल पूरा होने पर मंडी आए, 8 साल का उनका अपना कार्यकाल केंद्र में पूरा होने पर शिमला आए, चीफ सेक्रेटरी की पूरे देश की जो है कॉन्फ्रेंस होती है तो धर्मशाला आए, तो और हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जो है चंबा जो है 1981 के बाद कोई प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे चंबा के चौगान में, और ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ, आज तक के इतिहास में चंबा में उतना बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ, और भावुक होकर के लोग वहां पर उस कार्यक्रम में वहां पर सुनने के लिए तैयार थे। ऊना में बल्कडक फारवा पार्क के लिए वंदे भारत ट्रेन के लिए शुरुआत करने के लिए ऊना आए, वो इतना सारा प्रोजेक्ट को हिमाचल प्रदेश में जमीन पर उतारने के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम करने के, छोटा सा प्रदेश लेकिन हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट, ये समझ में नहीं आ रहा उनको।
चुनाव का दौर तो अभी शुरू हुआ, चुनाव के दिनों में चुनाव के लिए भी आएंगे, उनको परेशानी यह है कि मोदी जी आएंगे तो हम बचेंगे कुछ नहीं, हमारा बचेगा कुछ नहीं, उनका ऐसा लग रहा है। तो ये सच्चाई है, उनका बचेगा भी कुछ नहीं, पूरे देश में नहीं बचा तो हिमाचल में कहां बचने की संभावना छोड़ेंगे। तो इसलिए उनकी चिंता वाजिब है, जाहिर है, और हम उनको कह रहे हैं तुम भी अपने नेता को लाओ, राहुल जी को ले आओ, खड़गे जी को लाओ, अब नए अध्यक्ष बने हैं, ताजा तरीन अध्यक्ष बने हैं, उनको भी लाओ तो मजा आएगा ना। तो हमारे नेता के आने जाने पर उनको क्यों परेशानी होनी चाहिए, हमारे नेता तो है ही है, लेकिन उनको इस बात को भी महसूस करना चाहिए कि वो देश के प्रधानमंत्री भी हैं, और प्रधानमंत्री जी किसी प्रदेश में आते हैं तो उस प्रदेश का सौभाग्य है।